अब आपको बताएं, ऑनलाइन फ्रॉड की बात दर्ज इख्तियार कर गई। निजी बैंक और एफआईए काबू पाने में नाकाम, शहरी बैठे बैठे कंगाल होने लगे हैं। मुतासरीन एफआईए और बैंकों के चक्कर काटने पर मजबूर। तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे राहिल सैयद से। राहिल, आगाह कीजिएगा, दरख्वास्तें तो बहुत सी जमा करवाई गई हैं एफआईए में, क्या कोई अमली कार्रवाई भी की गई है एफआईए की जानिब से? जी, एफआईए बैंकों में होने वाले ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने में नाकाम नज़र आता है। दर्जनों शहरियों की जानिब से दरख्वास्तें दी जा रही हैं एफआईए को कि उनके बैंक अकाउंट से जो है रकम जो है ट्रांसफ़र की जा रही है, ऑनलाइन फ्रॉड किया जा रहा है, जबकि उनके बैंक में जो अकाउंट में रकम मौजूद होती है, जब दोबारा चेक की जाती है तो वो जो रकम है एटीएम के ज़रिए या उनके ऑनलाइन बैंक अकाउंट के ज़रिए जो है ना ट्रांसफ़र की जा रही है। इस हवाले से एफआईए को मुतअद्दिद दरख्वास्तें भी दी जा चुकी हैं शहरियों की जानिब से, लेकिन अभी तक इन फ्रॉड करने वालों का सुराग नहीं लगाया जा सका। शहरियों की जानिब से जो दरख्वास्तें दी गई हैं उसमें मोहम्मद अकबर है, जिसकी जानिब से बताया गया है जो फैसल टाउन का रहायशी है कि उसके बैंक अकाउंट से 6 लाख रुपये जो है गायब हो गए हैं। इस हवाले से बैंक को भी दरख्वास्त दी है, एफआईए को भी दरख्वास्त दी है, लेकिन अभी तक उस अकाउंट की जो ट्रांजेक्शन हुई है उसके बारे में जो है ना तो रिकॉर्ड फ्राम किया गया है, ना बैंक ने अभी तक उसकी जो है दादरसी की है। इसी हवाले से एक और सदाकत नामी शख्स के अकाउंट से 25 लाख रुपए जो हैं वो निकाल लिए गए हैं एटीएम के जरिए और जो है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के जरिए, जिसके बाद दरख्वास्तें जो एफआईए को दी गई हैं, लेकिन अभी तक एफआईए ये मुनज़्ज़म जो ग्रोह है जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में फ्रॉड कर रहा है उसको रोकने में नाकाम नजर आते हैं। इस हवाले से कोई बड़ी गिरफ्तारी भी जो है एफआईए की जानिब से देखने में नहीं आई। दर्जनों ऐसे वाकया जो एफआईए के पास रिकॉर्ड हो चुके हैं, लेकिन अभी तक दादरसी जो है जो मजलूम लोग हैं जिनकी दादरसी की जानी चाहिए वो देखने में नजर नहीं आ रही। जी शुक्रिया राहिल सैयद आपका।